नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के प्रसाद यानी अनिल पतंग जी, और मैं हर्बल पॉइंट बेगूसराय से आपके सामने उपस्थित हूँ। और ये हर्बल पॉइंट की स्थापना ही इसी उद्देश्य से की गई है कि आसपास के जो पेड़ पौधे हैं, जो हमारे घर के जो मसाले हैं, और ये सारी चीज़ों के माध्यम से विभिन्न रोगों का निदान अगर संभव हो सके, होता ही है, तो इसका प्रयोग किया जाए। और इसमें एक अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए मैं इसको रखा हूँ। आज जिस वृक्ष के बारे में हमारे आसपास में देखते हैं, किसी भी गांव में, हर गांव में, और वो इस तरह का पेड़ यानी ये पीपल का पेड़ उपस्थित रहता है। ये पीपल के पेड़ अपने देश में एक धार्मिक पेड़ है, औरतों के विभिन्न तीज त्यौहार इसके सानिध्य में होते हैं। शनिवार को इसके जड़ों में जल डालने से शनि ग्रह से मुक्ति मिलती है, यह माना जाता है। हम माने या ना माने, लेकिन हमारे पूर्वजों ने परंपरा के बहाने विज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया है। कुछ लोग कहते हैं कि यह ऑक्सीजन 24 घंटे देता है, जिसे विज्ञान का जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है स्वीकारती नहीं है। खैर, इतना तो है कि बड़े आकार का पेड़ छाया और अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देने के अलावा अनेक रोगों से मुक्ति का साधन है। आज समूची दुनिया में वैज्ञानिकों द्वारा लगातार शोध किए जा रहे हैं, जो हमारे पुराने आयुर्वेद के ग्रंथों के आधार पर प्रमाणित भी हो रहे हैं। आइए हम इसके औषधीय गुणों की चर्चा करें। इसमें उपस्थित निम्न रसायनों की उपस्थिति के कारण बताए गए रोगों से छुटकारा मिलती है। इसके ताजे फल, सूखे फल, पत्ते और छाल का प्रयोग किया जाता है। अब मुख्य रसायन है, वह है नमी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा यानी फैट, क्रूड फाइबर, क्षार, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक आदि इसके अवयव हैं। इसी के कारण इन रोगों से छुटकारा दिलाने में यह सक्षम है। तो पहला रोग हम लेते हैं हृदय रोग। आजकल हृदय रोगों की समस्या बहुत अधिक है, आप देखिएगा, और जिस तरह से ये खास करके इसको लोग क्रिएट कर रहे हैं जानबूझ के भी, एक रोग को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है कि सब लोग परेशान हो रहे हैं। तो हृदय रोग, पता नहीं इसका, इस रोगों की इतने आसान और निःशुल्क निदान हमारे यहाँ उपलब्ध रहने के बावजूद हम अंग्रेजी दवाइयों के पीछे पागल क्यों हो रहे हैं, जबकि अमेरिकन मेडिकल गाइडलाइन के हिसाब से इसमें काफ़ी तब्दीलियाँ हुई है, जिसे कुछ चिकित्सकों द्वारा नहीं माना जा रहा। नुकसान का सवाल है ना, लाभ का सवाल हो तो तुरंत मान लेते हैं, बस इसके इलाज के लिए बस 5-10 पीपल के पत्तों की चाय, उसमें दालचीनी, काली मिर्च और अदरक डालकर सुबह शाम पिए, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के साथ साथ यह उच्च रक्तचाप को भी कम करता है। इसके अलावा खांसी, जुकाम, ज्वर और अस्थमा यानी दम्मा रोगों से छुटकारा दिलाता है। बहुत सारे लोग चर्म रोग से प्रभावित हैं और गांव के लोग इतने प्रभावित हैं, खास करके कारण जो भी हो, गंदा रहने के कारण या जो भी, उसके इलाज के लिए भी बहुत महंगी दवाइयां हैं और बड़े बड़े चर्म रोग विशेषज्ञों के यहाँ लोग जाते हैं और यह टेस्ट वह टेस्ट करा के उसका इलाज शुरू करता है। देखिए पीपल का गुण कि दाद दिनाय खाज खुजली के लिए आप पीपल के छार का काढ़ा 20-30 मिलीलीटर रोज सुबह शाम पिए, और इसके कोपलों, पत्ता के बाहर का भाग जो होता है यहाँ पर एक एक हल्का सा लाल जैसा, इसका जूस पीने से चर्म रोगों में लाभ मिलता है। लगाने की दवा भी इसी का बनाइए। लगाने के लिए पीपल की छाल को सुखा लीजिए, उसका भस्म बनाइए और इसमें चूना और घी मिलाकर लगाने से उपरोक्त रोगों के अलावा घाव पर भी आप लगाइएगा तो वह भी ठीक होगा। जॉन्डिस बहुत परेशान, हेपेटाइटिस बी, ये वो, क्या क्या रोग उसके कारण लोग उपजता है, उपजाते हैं, तो जॉन्डिस के लिए भी आप इसका किस तरह से प्रयोग करेंगे, इसके कोमल पत्ते को पीसिए, 200 मिलीलीटर पानी में घोलिए और उसमें मिश्री मिलाकर रेगुलर
पीना शुरू कीजिए, देखिए पीलिया रोग आपका छूबंतर हो जाएगा। डायबिटीज, पता नहीं डायबिटीज से जितनी दवाइयां हमारे आसपास है, मुझे तो लगता है कि मैं जो चीज देखता हूं सब में डायबिटीज दूर करने की बात मिलती है। लोग कहते से डायबिटीज बढ़ता, मैं कहता डायबिटीज दूर कैसे होता है, फिर भी मुझे कहना पड़ रहा है कि यह कोई रोग नहीं है, यह अनियमित दिनचर्या और खान पान से उत्पन्न रोग है जिसे हम स्थायी रूप से छुटकारा पा सकते हैं। इसमें करना क्या है, पीपल के छाल का काढ़ा आप खाली पेट रोज सुबह सुबह पिए, देखिए आपका डायबिटीज किस तरह से कम होता है और गायब भी होता है। देखिए कमाल, लोग परेशान हैं, खास करके युवक, पौरुष शक्ति उनकी घट गई है, उनको और भी समस्याएं होने लगी है, स्वप्न दोष होने लगा है और क्या क्या नहीं होने लगा है, उनके यौनांग में शिथिलता आ गई है। तो उसके लिए देखिए ये फल जो है, इसका फल जो है बाहर में लाल जैसा फल जो होता है, और उसके छाल का काढ़ा दूध में उसको बनाइए चाय की तरह, और उसको लीजिए कम से कम रात में। इसका सिरा, सिरा मतलब उसके सिर जो होता है मिट्टी के नीचे, थोड़ा मिट्टी हटा के वो थोड़ा काट लीजिए, उसको सील पर घिसिए, और उसको घिस करके अगर यौनांग पर लगाते हैं, उसका लेप करते हैं, तो यौनांग सख्त होता है, मजबूत होता है, और साथ साथ इसकी लंबाई में भी वृद्धि होती है। अनियमित मासिक चक्र, महिलाओं को कभी 28 दिन के बदले 20 दिन में, कभी 1.5 महीने में, तो इसके लिए भी बहुत सारी परेशानियां हैं, और उसके चलते कई शरीर में विसंगतियां आने की संभावना बनती है। इसमें कुछ नहीं करना है, पीपल का छाल और इमली थोड़ा उसमें मिलाइए और उसका काढ़ा बना के पीना शुरू कीजिए। औरतों के मासिक चक्र में जो अनियमितता है वो नियमित हो जाएगा। पैरों के एरियों और पैरों के फटने, जिसके पैर न फटे बिबाई वो क्या समझे पीर पर आई, यानी पेटों में जब पैरों में जब वो फटता है तो बहुत दर्द करता है, बहुत परेशान होती है खास करके गांव की महिलाएं। उसमें कुछ नहीं करना है, पीपल जिसमें का पत्ता तोड़ते हैं देखते हैं उसमें थोड़ा दूध निकलता है, तो पीपल का ताज़ा दूध लीजिए, और दूध बहुत ज़्यादा न निकले तो उसको पीस दीजिए पीपल के पत्ते को भी, तो उसका रस निकलेगा। तो दूध और रस ताज़ा लेकिन होना चाहिए, इसमें एक बात का ख्याल यही रखना है। उसको लगातार आप लगाइए पैरों में, वो बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। दांत, दांत जो आपका है, दांतों की समस्या भी कम नहीं है, और इसके लिए क्या करिए आप देखिए पीपल का दातून करें, आप नीम का करते हैं, आप बबूल का करते हैं, करें सब अच्छा है, लेकिन पीपल के दातून करेंगे तो दांतों के भी विभिन्न समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं। दूसरा, आप उसका एक चूर्ण अथी बनाइए, मंजन, पीपल का सूखा छाल, कत्था 10 ग्राम, 100 ग्राम सूखा छाल ले लीजिए, और काली मिर्च 10 ग्राम लेकर उसका पाउडर बना दीजिए, उसका मंजन बना लीजिए, और उसका मंजन उंगली से आप लगाइए दांतों में, देखिएगा दांतों का हिलना, दांतों में दर्द, दांतों का और भी समस्याएं जो है दूर हो जाएगी। जैसे पेट के रोगों में कई प्रकार से लाभकारी है, पीपल के पत्ते का कोमल पत्ता आप ले लीजिए, उसका काढ़ा मिश्री या शहद के साथ लें, पीपल के पत्तों को सुखा कर कूट करके उसका चूर्ण बनाकर 1 चम्मच चूर्ण सुषुम पानी के साथ लें। और तीसरा और भी उपाय है, पीपल के पत्तों को कूटिए, उसका जो पाउडर या पेस्ट बनता है उसमें थोड़ा शक्कर मिलाइए, और 2-2 ग्राम की गोलियां बना के सुखा लीजिए। आप एक एक गोली रोज 2-3 बार लें, आपका वो पेट की समस्याओं से हल हो जाएगा। हकलाहट और तुतलाहट, जो बच्चों में हकलाने और तुतलाने की समस्या आ जाती है, कुछ लोग लाड़ प्यार से भी ऐसा कर देते हैं, बच्चा तुतलाता है तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में ये परेशान करता है। इसके लिए 1 चम्मच पीपल के फल के चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर चटाएं, बिल्कुल देखिए आसान सा है, इसको करके तो देखिए, बिल्कुल आपके घर की चीज़ है। टीबी, पहले तो टीबी जब होता था तो लोग ये पूछते थे कभी गया, कैंसर के तरह से वो रोग था, लेकिन अब टीबी क्यूरेबल है अंग्रेजी दवाओं में भी और भी दवाओं में, और एलोपैथिक में तो ये आयुर्वेद में तो सब दिन से है, जड़ी बूटियों में सब दिन से है। तो उसमें आप पीपल का जर और अर्जुन का छाल दोनों का काढ़ा बनाइए,
पीपल का छाल भी ले सकते हैं आप, पीपल का छाल और अर्जुन का छाल, दोनों का काढ़ा नियमित पीने से राजयक्ष्मा रोग से मुक्ति मिलती है। नक्सीर, आपके नाक से खून टपकता है गर्मी के दिनों में और भी दूसरे समय में, और कभी कभी कान से भी ये समस्या होती है, तो इसका फल का जो चूर्ण होता है उसको मिश्री मिलाकर पिए। इस तरह से हरी कथा अनंता, कितने गुणों का बखान किया जाए। इस वृक्ष की पूजा का सम्मान होना लाजमी है। पानी सिर्फ शनिवार को ही क्यों, प्रतिदिन दिया जाना चाहिए। एक ग्रह को क्या, सब ग्रह को दूर हो जाएगा। और पीपल का जो वृक्ष है वो हमारे लिए रामबाण है, इसके इसके सारे अंगों का पत्ता, फल, वो छाल, जड़, सब आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, इसलिए इसका प्रयोग कीजिए। हम तो इसके इस इन कार्यों के लिए नमन करते हैं। आप अपने किसी भी समस्या के लिए संपर्क करें, फ़ोन और व्हाट्सएप नंबर है 9430416408, हर्बल पॉइंट बेगूसराय। धन्यवाद।